Xiaomi अपने बजट सब ब्रांड Redmi के अंडर एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो एक बिल्कुल न्यू सीरीज होगी और इस डिवाइस का नाम होगा Redmi X। और ये स्मार्टफोन कंपनी का पहला बजट स्मार्टफोन भी होगा विद एन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और कंपनी ने ऑलरेडी इसका टीजर पोस्टर भी रिलीज कर दिया है, जिससे ये भी कन्फर्म हो जाता है कि ये स्मार्टफोन 15 फरवरी को लॉन्च होगा। सो ही फोक्स, मेरा नाम है समीर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi X के बारे में और जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन, प्राइसिंग और रिलीज डेट के बारे में। Excited? So let's get started. तो शुरू करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से। सोर्सेस के अकॉर्डिंग इसमें हमें 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद यू स्टाइल नॉच, जैसा कि रिसेंटली हमने Redmi Note 7 में देखा था। और इसमें ओलेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा फॉर द डिस्प्ले, जिससे हमें काफी अच्छा कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू LCD डिस्प्ले। ओलेड डिस्प्ले यूज करने के पीछे मेन रीजन है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ, लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा और ये Redmi का पहला स्मार्टफोन भी होगा इस फीचर के साथ। बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें हमें Snapdragon का 710 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक काफी पावरफुल चिपसेट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। पर कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इसमें हमें Snapdragon का 675 चिपसेट भी देखने को मिल सकता है। और देखा जाए तो ये दोनों चिपसेट काफी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बल्कि रिसेंटली एक बेंचमार्क के अकॉर्डिंग Snapdragon 675 के Geekbench स्कोर्स बेटर है Snapdragon 710 से। पर मुझे ये लगता है कि इसमें Snapdragon 675 चिपसेट ही होगा, क्योंकि Redmi X में Sony का IMX586 सेंसर यूज होगा और ये 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर है और सिर्फ Snapdragon 675 ही 48 मेगापिक्सल तक के सेंसर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा Redmi X की बैटरी कैपेसिटी होगी अराउंड 4000 mAh विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। एंड इसके हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, पहला 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ और दूसरा होगा 6GB रैम विद 64GB स्टोरेज। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन ये स्मार्टफोन काफी कमाल का होने वाला है। बात करें इसके डिजाइन की तो इसका डिजाइन काफी सिमिलर होने वाला है रिसेंटली लॉन्च Redmi Note 7 के। तो फ्रंट में हमें देखने को मिलेगा एक यू स्टाइल नॉच वाला बेजललेस डिस्प्ले, जो देखने में काफी कमाल का लगता है। बैक में होगा डुअल कैमरा सेटअप, जिसका प्राइमरी सेंसर होगा सोनी का 48 मेगापिक्सल वाला सोनी IMX586 सेंसर। प्लस इसके बैक में ग्रेडियंट फिनिश होगा या नहीं, इसके बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें ग्रेडियंट बैक देखने को मिलेगा विद न्यू कलर्स, क्योंकि Xiaomi अगर कोई नया डिजाइन इंट्रोड्यूस करती है तो उसे अपने दूसरे स्मार्टफोन मॉडल्स में भी फॉलो करती है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस Redmi सीरीज में। तो आखिर में बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग और रिलीज डेट के बारे में। तो कंपनी ऑलरेडी ये कंफर्म कर चुकी है कि ये स्मार्टफोन 15 फरवरी को लॉन्च होगा चाइना में। और देखा जाए तो ठीक इसी टाइम पर लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था Redmi Note 5 एंड Note 5 Pro। बाकी बात करें इसकी प्राइसिंग की तो कहा जा रहा है कि इसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग हो सकती है अराउंड 1900 yuan, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 20,000 Indian rupees के। तो आई थिंक अगर हमें इस स्मार्टफोन में ओलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 675, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है तो ये किलर स्मार्टफोन होने वाला है फॉर श्योर। तो यार, क्या आप लोग एक्साइटेड हो Redmi X के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप फ्यूचर के कोई भी वीडियोस को ना मिस कर पाओ। तो यार, मेरा नाम है समीर और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने अगले वीडियो में।